तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकास और विरासत को लेकर बयान दिए। सीएम ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ जनता की सेवा, उनकी आकांक्षा के अनुरूप विकास के कार्य हो सके, ये पहली बार देश में देखने को मिला है। विकास और विरासत का अद्भुत समन्वय प्रधानमंत्री मोदी की पहचान है। आजादी के 70 वर्षों तक 2014 तक जितने हाईवे थे उससे दोगुना हाईवे का निर्माण पिछले 10 साल में हुआ। वही प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में AIIMS की संख्या 7 से बढ़कर 22 हो गई है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ जीते भी जनता जनार्दन की सेवा और उनके आकांक्षा के अनुरूप विकास के कार्य हो सके, ये पहली बार देश के अंदर देखने को मिला है। विकास और विरासत का एक अद्भुत समन्वय प्रधानमंत्री मोदी जी की पहचान है और इस दिशा में जो कार्य हुए हैं अद्भुत है। हम लोग जब जनता से इन मुद्दों पे चर्चा करते हैं तो पब्लिक का रिस्पांस भी इस बात को लेके आता है, देखने को मिलता है। खास तौर पर जिन मुद्दों पर पब्लिक का बेहतर समर्थन मिल रहा है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर का, हाईवे लगभग दुगने हुए हैं, यानी देश के अंदर 70 वर्षों से अधिक समय तक जितने हाईवे थे आजादी के पहले और आजादी के बाद 2014 तक, मात्र 10 वर्ष में उसके लगभग दोगुने हाईवे का निर्माण इस दौरान हुआ। एयरपोर्ट देश के अंदर 2014 तक मात्र 74 एयरपोर्ट थे, आज 150 से अधिक एयरपोर्ट हैं। एम्स, कांग्रेस के समय एक एम्स बना है, सरदेव अटल जी ने अपने समय में 6 नए एम्स की स्थापना के आधारशिला रखी और मोदी जी के समय 7 एम्स से बढ़कर के आज संख्या 22 हो गई है।